एक लड़का होता है जिसके अंदर इम्यून सिस्टम नहीं होता है, मतलब वो अगर कोई कीड़ा भी उसको टच करेगा तो उसकी मौत हो सकती है। तो इसी वजह से उसको ना एक बबल के अंदर रहना होता है, एक ग्लोब के अंदर रहना होता है। तो वो जब दुनिया में आता है उसका इम्यून सिस्टम होता नहीं है, तो उसकी बेचारे की जिंदगी ऐसे कटने वाली होती है। तो वो घर पर जब ये आता है तो घर पर भी उसकी ग्लोब वगैरह बना होता है। उसके माँ बाप, उसका नाम जिमी होता है लड़के का नाम, जिमी जो है वो बेचारा छेद में एक बॉल में ही रहता है और वहीं पर वो पढ़ता लिखता है, कैसे भी वहाँ पर कुछ रहने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे करके सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उसे बबल बॉय कहते हैं। और हाँ, बबल बॉय ही इस मूवी का नाम है। उसके बाल वगैरह सब वहीं कटते हैं उसी छेद के अंदर, उसी गुब्बारे के अंदर उसका काम होता है। हाँ, ये गुब्बारा कह सकता हूँ मैं इसको। फिर वो बड़ा होने लगता है, सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन वक्त बीतता है, कुछ साल बीत जाते हैं और उसके मोहल्ले में एक लड़की आती है। तब तक हमारा जिमी बड़ा होता है, उस लड़की का नाम होता है क्लोई। क्लोई को वो देखने लगता है और क्लोई को देखते ही उसका कुछ ना कुछ होने लगता है उसके अंदर, मतलब बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। हाँ, वो उसके अंदर महसूस कर रहा होता है अपने अंदर पावर है ना। तो फिर खैर क्लोई भी धीरे करके नोटिस करना चालू करती है और फिर वो क्लोई से मिलने अंदर आ ही जाती है कि हिम्मत करके, क्योंकि जिमी बहुत डरपोक था। लेकिन क्लोई के फ्रेंड्स बताते हैं वो तो पागल है, वो एक गुब्बारे में रहता है तो कैसे हो सकता है। लेकिन क्लोई उसे फिर भी मिलने आती है और मिलने के बाद वो जिमी एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उन्हें जिंदगी में कभी लड़की से बात की ही नहीं थी। तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई कहती है नहीं नहीं बहुत कंफर्टेबल से फील कराती है। और जिमी और क्लोई में जो है थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप पहली ही मुलाकात में हो जाती है। उनका साहब बड़े चल रहा होता है, गिटार वगैरह सिखाती है, उसकी माँ को पसंद नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन खैर उनका साहब चल रहा होता है कैसे करके। और फिर जो है एक दिन क्लोई जिमी जो है क्लोई को किस करना चाहती है, क्लोई किस करना चाहती है, लेकिन उसे अंदर नहीं आने देता, क्योंकि उसको लगता है अगर ये अंदर आएगी तो मैं मारा जाऊँगा। इस वजह से क्लोई थोड़ी दुखी हो जाती है और वो एक नया बॉयफ्रेंड बनाती है जिसका नाम होता है मार्क। और वो उसे मिलाने आती है जिमी को, वो कहती है कि हमारे कुछ महीने बाद शादी है, जहाँ पे होगी वो शादी होगी नाइगेरा फॉल में। वो इतने में उसे गिफ्ट देती है और लेकिन जिमी बुरा मानना कहता है कि भाग यहाँ से, मैं तो शादी नहीं करनी। कहती है कि हमारी शादी लास वेगास नाइगेरा फॉल में होने वाली होती है, क्योंकि उस गिफ्ट पर लिखा हुआ होता है आई लव यू। तो जिमी ठान लेता है, क्योंकि उसके माँ बाप जब कुछ टाइम के वेकेशन में गए होते हैं, जिमी ठान लेता है कि इस गुब्बारे से बाहर तो नहीं आएगा लेकिन गुब्बारे के साथ ही उसे जाना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ पाने लगाता है और फाइनली वो वहाँ पर जाने लगता है, कैसे वगैरह पहुँचने लगता है। पहले तो बस का टिकट खरीदने की कोशिश करता है लेकिन टिकट नहीं मिलता, क्योंकि बहुत बड़ा गुब्बारा था, स्पेस था नहीं, जिस वजह से वो बेचारा ऐसे सड़क पर घूम रहा होता है। लेकिन फिर आते में एक गाड़ी टक्कर मार देती है, बड़ी टक्कर मार देती है। बस में कुछ रिलीजियस फॉलोवर बच्चे थे, मतलब रिलीजियस को फॉलो करने वाले बच्चे थे। वो बच्चे उसे बाहर आते हैं, जिमी ने अपनी कहानी बताता है और फिर वो बच्चे जो है उसे बस में ठूस देते हैं, कैसे भी करके उसे ठूस देते हैं और फिर वो जाने लगते हैं। बच्चे उसे कुछ अपनी बाइबल पढ़ा रहे होते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं रहा होता, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं रहता उन लोगों में। तो बच्चे बुरा मानते हैं, उसे लात मार के गुब्बारे पे उसे बेचारे को बाहर फेंक देते हैं। खैर वो बच्चे अपने डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि गुब्बारे वाला आदमी हमारा सेवियर है। वो सोचते हैं कि यार जिसे तुम फेंक कर आएंगे यही तुम्हारा सेवियर नहीं था, क्योंकि गॉड किसी को जो है सेवियर बना के भेजते हैं, ऐसे उन्हें बताया जाता। बच्चे सोचते हैं कि हमें ढूंढना पड़ेगा। इतने में जिमी एक बूढ़े आदमी के पास आता है जिसके गर्लफ्रेंड का नाम वाइल्ड फायर होता है, वो सब लव स्टोरी बनाता होता है। असल में जो वाइल्ड फायर है ना वो जिमी की अम्मा ही है। वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि चलो बच्चे की शादी करा दूँ, क्योंकि मेरी तो हुई नहीं है, क्योंकि शादी में सिर्फ एक दो दिन ही बचे थे क्लोई की शादी में। तो वो सोचता है कि भाई जल्दी बाइक लेके चुरा के भाग जाता है, वो उनके बाइक लेके चुरा के भाग जाता है। लेकिन तभी जिमी के माँ बाप से की टक्कर हो जाती है। असल में माँ बाप उसे ढूंढ भी रहे थे, तो जब टक्कर होती है तो वो जो गुब्बारा था उड़ता हो जाता है ट्रेन के अंदर। वहाँ पर सारे सर्कस का शो होने वाला था, उसे सर्कस शो पर लेके जाता है। लेकिन जिमी वहाँ से बेचारा कैसे भी करके भागने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो पुष्पा से मिलता है, नहीं अपने वाले पुष्पा नहीं, एक पुष्पा लेडी होती है, वो उसकी हेल्प करती है, उसे लिफ्ट देती है, उसे लेके जाती है। लेकिन गलती से वो एक भैंस को मार देती है, तो कहती है भैंस मेरी माँ है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तो जिमी के पास टाइम होता नहीं है, तो वो सोचता है कि मुझे पहुंचना तो है किसी भी हालत में। तो फिर पैसे नहीं लगता, चाहे उसके माँ उसे पूछते हैं बोने से कि भाई सर्कस वाले वो लड़का कहाँ गया, तुमने उसे फिर दोबारा देखा? वो कहते हैं मैंने नहीं देखा। जिम चाह रहा था, वो कहना चल रहा होता है गुब्बारे के अंदर। फिर वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है, वो बूढ़ा आदमी थोड़ी सी लिफ्ट देता है। फिर जो है उनका टाइम बीतता है, सुबह हो जाती है और जिम उससे बात करता है, जहाँ पे फोन उसे उठाता है मार्क। वो क्लोई को कॉल करना चाहता है लेकिन मार्क उठाता है, मार्क कहता है भाई तू रहने दे, तो नहीं पहुँच पाएगा, मेरी शादी बस अगले दिन ही है। तो जिम भाग रहा होता है, तभी वो एक ट्रेन में बैठता है, एक हेल्प करता है उसका कोई, और वो फाइनली उनकी शादी में पहुँच जाता है। फिर फाइनली वो बबल उतारता है और उसे किस करता है फाइनली। और फिर इसके बाद उसकी वही तो बेहोश हो जाता है, और क्योंकि फेमिली सिस्टम तो है नहीं, लेकिन उसकी माँ का पर्दा फाश होता है। उसकी माँ उसे बताती है कि इसे ऐसे कुछ था ही नहीं, बस मैंने उसे दुनिया से प्रोटेक्ट करने के लिए बहाना बनाया था, उसकी बीमारी से 3 साल बाद ही ठीक हो गई थी। और फिर जिमी अपनी माँ को माफ़ करता है, क्योंकि ऐसे तो कुछ था ही नहीं, लेकिन अपनी माँ को माफ़ कर देता है। फिर इनकी फाइनली शादी होती है और फिर इस शादी के साथ ये फिल्म जो है हमारी ख़त्म होती है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई थी।